So hi guys, मेरा नाम प्रदीप है एंड ही इज माई फ्रेंड तेजस. मैंने दो दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी इनके डॉग्स की विद माई फ्रेंड मनीष. तो मुझे देखा कि काफ़ी अच्छी लगी वीडियोस और डॉग के बारे में सर्च करके, तब हमें हस्की पसंद आया. इन्होंने हमें वीडियो भेजी काफ़ी सारी, पर इन्होंने वीडियो भेजी मुझे जो कि दिल्ली से इन्होंने डॉग मंगवाया. दैट वॉज सो गुड विद ओड आईज. सो इट वॉज रियली गुड. आई लाइक इट द कलर. इट इज़ रियली लाइक द वुल्फ कोट. And he's really lovely. बाकी तेजस भाई बताएंगे. मैं actually देखो, मेरे को बड़ा मजा आता है जब ऐसे spontaneous कुछ हो जाता है ना. मतलब actually मेरा, अब पता नहीं आप लोग आप believe करते हो sun signs में या नहीं, मैं Aries हूँ. तो हम लोगों को ना thrill, adventure बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. तो भैया मनीष भैया का मेरे को कल call आया and वो तो मतलब सीधा तेजस भाई हस्की चाहिए, बिली कोट में चाहिए, प्योर व्हाइट कलर चाहिए एंड बजट की कोई टेंशन नहीं है. मतलब सीधा चार चीजें बोली ना मैंने. मैं कहा ठीक है भैया. एक्चुअली हमारे बैंगलोर से तीन पपीज आए थे, बहुत खूबसूरत. आशू भैया को पता है बहुत खूबसूरत पपीज थे. तो वो मैंने उनको बोला, मैं कहा भैया दो दिन पहले आप मेरे को बता देते ना, वो पपीज लिटरली दो दिन पहले बिल्कुल इनके हिसाब से जो इनको चाहिए था वो, मतलब वो बच्चे थे. बच्चे तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ डॉग डॉग पे लिखा है पालने वाले का नाम. बट उसके बाद इन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे सिर्फ एक घंटा दो और मैं तो जुगाड़ करके देता हूँ. जस्ट विद इन 15 मिनट्स इन्होंने जुगाड़ करके देखो देखो भैया थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ निकाल के देता हूँ. फिर जैसे जैसे बात होती गई वैसे वैसे मतलब अनफोल्ड होता गया. तो फिर मैंने भैया को थोड़ा सजेशन दिया दैट भैया अगर मतलब हम इतना बजट स्पेंड कर सकते हैं तो हम सेमोइड ले लेते हैं, क्योंकि सेमोइड इज आल्सो वेरी गुड रेप्लिका ऑफ अ साइबेरियन हस्की, बिकॉज़ इनको प्योर वाइट कलर ही चाहिए था. तो मैं कहा भैया आप सेमोइड ले लो यार. फिर मेरे को भैया कहते भैया सेमोइड दिखाओ कैसे क्या. पर पता नहीं इनको सेमोइड पसंद नहीं आया, इनको सब हस्की ही लेना है और वूली कोट में ही लेना है और हम लोगों को यही वाला बच्चा चाहिए. तो उसके बाद अब ये बच्चा था दिल्ली में, तो उसके बाद मेरे को टेंशन की भैया इन्होंने आज मेरे को फोन किया है, मैं इतनी जल्दी बच्चा कैसे मंगाऊंगा. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट रातों रात ही हमारे भाई साहब भी दिल्ली से वापस आ रहे, रात को जलंधर पहुंच गए और जलंधर से आज दिन में चंडीगढ़ भी पहुंच गए. मतलब लिटरली 24 आवर्स के अंदर. अब देखो ये देखो कितना फ्रेश है ना, इसकी अलग ही ना कि ट्रैवल करके आया. दैट्स व्हाई आई लव दिस ब्रीड ना भाई. मैंने यहाँ के छोड़ा, मैं इनको बोल रहा हूँ भैया अभी थका होगा, अभी आराम करेगा. नीचे देखा तो ये भाई साहब भैया ने कोक डाली थी हमारे लिए, ढक्कन उठा के गायब. भाई ये क्या चल रहा है, इसको तो थका होना चाहिए इस टाइम पे. बट नहीं, आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली. या दिस ब्रीड रियली लाइक सो फ्रेंडली, आई लव इट. This is my favorite one. Like, पता है ऐसे अचानक ही हम वीडियोस देखते थे यूट्यूब पे, सो बाय चांस इनकी वीडियो सामने आई और हमें पसंद आया काफी. इनका डिस्क्रिप्शन और जितने भी डॉग शो में देखा सब कुछ काफी अच्छा लगा. तभी अचानक से इनको हमने फोन किया और इन्होंने डॉग को अवेलेबल किया एंड इट वॉज रियली गुड. फर्स्ट टाइम ही मेरा पहला डॉग है. And it was so, yes. मेरे को नहीं पता था. अच्छा लगा क्या बात है. पहली बार बहुत डिफिकल्ट सिलेबस ले लिया हमने. पढ़ने चलो, बहुत अच्छा लगा. मेरे साथ में, ओह बाय द वे, मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया हमारे आशु भैया से. ये हमारे आशु भैया हैं, ये अम्बाला से हैं. कल शाम को हमारे कन्हैया मित्तल जी का था कॉन्सर्ट जलंधर में, तो ये भैया और हमारा हमारे बहुत बड़े, हम बहुत बड़े मतलब फैन कह लो, पर मतलब मजा आता है. तो इनको मैंने कहा आशु भैया इधर अपना कॉन्सर्ट है कन्हैया जी का, तो आप आ जाओ. तो ये भैया अभी बिना मेरे को बताए बस में बैठ गया हूँ, बता दो. तो फिर ये वहाँ जलंधर पहुंचे. उसके बाद फिर मेरे को था कि हमने कल चंडीगढ़ तो जाना ही है, तो अब चंडीगढ़ से आशु भैया वापस जाएंगे अम्बाला. बट ये हमारे अम्बाला के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट ब्रीडर्स हैं. मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको एंड अपनी स्पेशलिटी बता दो. कॉकर स्पैनियल, बेस्ट कॉकर स्पैनियल्स आप कह लो कि पूरे इंडिया में कह लो या मैं तो कहूंगा पूरे वर्ल्ड में, इनके पास से निकल के जाते हैं. जौन सी मर्जी पेडिग्री का नाम ले लो, ये कहीं ना कहीं आपको निकाल के उसके जो फोर फादर्स है वो दिखा देंगे कि लाइए तो मेसी क्या हुआ है. एंड ही इज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड. मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कह लो दैट इन्होंने सब कुछ पी के छोड़ा हुआ है. एज इज नो बार, एक्सपीरियंस मैटर करता है. एंड अब देख लो, मैं तब से आपको स्टार्टिंग से मैं आशु भैया बुलाता हूँ. अभी मेरे से 5 साल छोटे हैं, बट मैं आशु भैया बुलाता हूँ बिकॉज़ एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ऊपर है. तो अगर आप लोगों को कॉकर स्पैनियल्स, साइबेरियन हस्कीज की कोई भी पेडिग्री आपको चाहिए, आपको नहीं मिल रही है या आपको कुछ भी है, तो ये भाई साहब, ये हमारे बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो ये स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो ये शर्माते हुए होता है. मैं ये सारे वीडियोस को बोलना चाहूंगा यार, अगर आपके पास कोई चीज है देन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. अब देखो आपके पास ये बच्चा है, इन्होंने भी कह रहा है ही इज प्राउड दैट हाँ ये मेरा बच्चा है, आई लव हिम, राइट. तो ये चीज ब्रीडर्स में भी आनी चाहिए. ये कैमरा शाइनेस बहुत जल्दी निकलनी चाहिए, स्टेज फियर निकलना चाहिए, बिकॉज आपको कोई जानेगा नहीं जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आपके पास है क्या. हाँ बहुत बड़े बड़े डॉग्स हैं, इनके पास
हैं पर ये बाहर नहीं आते, तो आज फिर हमने प्लान किया इनको बाहर लेकर आएंगे थोड़ा। और इनका कॉकर स्पैनियल का एक लीटर कल हुआ है, थ्री पेयर्स है, टू गोल्डन एंड वन ब्लैक, थ्री पेयर्स ऑलरेडी मतलब रेडी रहते हैं, कॉकर स्पैनियल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बहुत अच्छी वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ खुद, मैंने इनको बोला था टाइम लाइन बनाएंगे उसका, डे वन से डे 35-45 तक जो ट्रांजिशन रहती है बच्चों की, कैसे कैसे वो बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे वीडियो मैं खुद जाऊंगा अम्बाला एंड प्रॉपर शूट करके भैया के साथ हम बनाएंगे। ये आपसे बिना पूछे कह रहा हूँ बनाएंगे हम, ठीक है कि नहीं, मैं पूछ नहीं रहा, आपने मेरे से क्या पूछा जलंधर से बट चलो बहुत अच्छा लगता है यार जब ऐसे देखो ये सब प्लान्ड नहीं था, ये सब बस हो गया। क्यों भैया? बिल्कुल कुछ नहीं था। मैं तो ये कहूंगा अगर किसी को भी अगर डॉग की नीड है, साइबेरियन हस्की और एनी अदर ब्रीड लाइक, सो contact to Tejas, like he is really good on everything, like explanation or telling, so good everything. नहीं actually मेरे को ना tension हो जाती है आप ये वाली बात ना हो, क्योंकि actually मैं ये नहीं कहना चाहता कि business है या कुछ है या ऐसा है, but जैसे इन्होंने मेरे को syllabus दे दिया, अब मैंने आपको बताया ना कि मेरा वो जो कीड़ा है ना अंदर वो मेरे को जीने नहीं देता, अब जैसे इन्होंने syllabus दे दिया तो it's a challenge कि यार हाँ करके दिखाओ हम तुसी, फिर अब हो भी गया, फिर जब हो जाता है ना एक sense of accomplishment आती है, उससे बड़ा मजा है। तो एक बार इनको भैया दिखा दो, इसका नाम सोचा कुछ? नहीं अभी नहीं सोचा, अभी डिसाइड करेंगे क्योंकि because he's my first dog ना। ये देखो आप लोग मिलो इनसे, इसका नाम है, नहीं मैं ही रखूंगा पड़ जाता है फिर वो नाम पड़ा रखो आप रखो वो नाम पड़ जाता है। ब्यूटीफुल पप, मेरे को लग रहा फोटो में प्यार हो गया था आपको। हाँ बिल्कुल भाई, यही चाहिए फोटो भेजी थी आपने, पहले वीडियो नहीं भेजी है ना, यही पहले चार फोटो भेजी थी आपने, यही चाहिए। सो मैं मूवीज और वीडियोज जो भी होते हैं उनमें साइड रोल्स लाइक फर्स्ट नहीं सेकेंड लीड थर्ड लीड जो भी लाइक एज अ फ्रेंड स्टूडेंट कॉलेज और सिंगिंग लाइन में भी मैं अभी अपना एक फर्स्ट सॉन्ग डेबिट करने जा रहा हूँ, दैट वॉज लाइक इन द एंड ऑफ दिस मंथ। सो शेयर करना, मैं भाई को शेयर करूंगा जरूर, वॉच सब्सक्राइब एंड लाइक, डेफिनेटली दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माय लाइफ, डेफिनेटली तो सिंगिंग पब्लिश करना है ना। या फिर मैं इन द एंड ऑफ द मंथ, हां मैं डिस्क्रिप्शन एडिट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यार, प्लीज जाके चेकआउट करना, ए आना चाहिए वो वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल कितनी है, नहीं नहीं ए आना चाहिए वीडियो, शूट है यार में, डन 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 परफेक्ट, बाकी कोई शूट बुड ली हो तो मेनू दस दियो, मैं आके कैमरा फड़ लूंगा। बहुत नाइस लाइक ही इज रियली नाइस गाय लाइक वेरी नाइस मीटिंग एंड डॉग तो है ही काफी प्यारा। चलो बहुत अच्छा लगता है यार, इसका किस्मत था इसने यहाँ पे आना था, यहाँ पे पहुंच गया, अब आप लोगों की किस्मत आपको कहाँ लेके जाएगी अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू बाय। रिकॉर्ड हो रहा था ना, एक बार चेक कर लो।